भाई देख देख देख। हेलो गाइस, इट्स मी रोनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरआर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं ही कंटिन्यू करूंगा, आज रेकी नहीं करेगा। अभी तो सुबह उठा हूं, उठ के जिम के लिए तैयार हुआ हूं। देखता हूं जिम जाऊंगा, जिम जाके फिर आगे का दिखाते हैं आपको रूटीन। तो चलो चलते हैं बाय। और भाई अभी तो मैं जिम कर लेता हूँ, जिम करने के बाद रोहिणी का प्रोग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। शीशा यहाँ से फूट गया, इसको चेंज करवाऊंगा। देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है उनका। रोहिणी चलेंगे, अभी तो जिम कर लेते हैं। जिम भी आई गई, रुको मैं आपको दिखाता हूँ जिम अपनी। कटवा के आ गया हूँ, ठीक लग रही होगी। तो अब दाढ़ी कटवा के आया हूँ, अब नहाऊं धोऊंगा, फ्रेश वगैरह होके और फिर खाना वाना खा के फिर चलेंगे रोहिणी। रोहिणी देखते हैं, पहले शायद ISBT भी जाना है, के बाद रोहिणी, और देन हो सकता है कि हम NSP भी जाएं, पक्का नहीं पता। पर देखो जहाँ जहाँ के प्लान बनते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी पहले नहा धो लेता हूँ और फिर कार में चलते हैं। हाँ तो भाई अब मैं घर से निकल चुका हूँ रोहिणी जाने के लिए। रेकी जा रहा है मेरे साथ और शायद मनीष जाएगा, वैसे भी लेट बहुत हो गए हैं, 1:30 बज गया। रेकी को मैंने पिक कर लिया है और मनीष को लेने जा रहा हूँ प्रेम कॉलोनी हमारे रेस्टोरेंट के पास, उसका वहाँ पे घर है और उसके घर से उसको लेते हैं फिर हम चलते हैं। तो भाई हमारे साथ दो बंदे हो रहे हैं लेकिन वो व्लॉग में आना नहीं चाह रहे, इसलिए हम उसे व्लॉग में नहीं ले रहे। मनीष का घर आ गया, बस थोड़ी सी दूर है, उसकी मनीष की गली में आ गए हैं। तो चलो उसको कॉल करते हैं। तो गाइस वेटिंग फॉर लाला जी, देखते हैं कितना टाइम लगाएगा। मनीष अभी अभी जस्ट कॉल करा है, आजा भाई नीचे। वही है कत्ल करे तेरा बॉम्ब से कर। चुप हो जा। आ गया लाला जी मटक मटक के। आए हाय भाई मनीष, एक बात तो है, एक बात तो है, चाल बड़ी मस्तानी है तेरी। एनालॉग सिस्टम हमेशा ठीक होता है, डिजिटल से एक्यूरेट तो दिखाता है। यूनिट इतनी खड़ी होगी तो दो कम दिखा दिए, दो ज्यादा दिखा दिए, यार इससे तो ठीक ही है। ये सिस्टम है, ओल्ड इज गोल्ड वाला सिस्टम है। शाबा डेरी से यार मेरे को कुछ याद आ जाता, फोन स्क्रीन नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मानता है। मेरे एक बात बता, जैसे इंडिया में भाई लिमिट तो दे देते हैं 40-40, 50-50 की, बिन कैमरे के तो कोई फॉलो ही नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं करते भाई। पता है क्या बात होती है, हाईवे पे 60 की लिमिट होती है। अगर कोई डीजल गाड़ी लेके चल रहा है ना बंदा, हाँ, तो है ना, अगर अगर उसमें 6 गियर हैं, जैसे स्कॉर्पियो है उसमें 6 गियर हैं, उसका यार टॉप गियर लगाने से पहले ही यार 60 क्रॉस हो जाती। मेरे ख्याल में चौथे गियर में आ जाती है नॉर्मल 60 तो। हाँ यार बिल्कुल, पांचवा छठा गियर लगाने की तो नहीं बताओ, फिर अपने आप ही चलान कटेंगी। चलो भाई देखो अपने आप चलान, जिस जिसका चलाना है भाई कमेंट करके जरूर बताना किस किस भाई का चलाना है। हाँ यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके RTO का वो है, RTO ही है, RTO का वो नहीं है, RTO ही, मतलब यहीं पे आएंगे ड्राइविंग। हाँ भाई यहीं पे आएंगे। एक बात बता, हाँ अगर ऐसा सीन हो जाए दोनों हम जा रहे हैं, मेरा क्लियर हो जाए और तेरा ना हो, फिर वैसे बोल तो उल्टा है, मैं इन फ्लैटों के ऊपर से कूद के मर जाऊंगा। ये चीज नहीं भाई, ये गलत बात है, ऐसे ही नहीं कुछ और बता, तेरे को कुदा दूंगा। ठीक है डन। आंटी जा गया, मेरे लठ भी मारेगी। ये तो आंटी बताएगी क्या मारेगी। भाई एक तो ये नकली ड्राइवर भाई, इतने अच्छे से प्रॉपरली तो लेके आए हो तो भाई, देख 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 टर्न पे कितना मुड़ा हुआ है भाई, ये मतलब ऐसा हो गया था ये टर्न पे पलट गया, अगर ये थोड़ा सा ओवरलोड होता ना मैं कह रहा हूँ पलट ही जाता भाई। अभी भी टेढ़ा चल रहा है, अभी भी टेढ़ा चल रहा है। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन ये भी कि अगर ऐसे आपको ट्रक दिखे ना जो टेढ़े चल रहे हैं और अगर ओवरलोड हो रखा हो तो भाई देख के चलना, अपनी लाइफ को खतरे में मत डालना। एक मिनट का टाइम बेशक ज्यादा लग जाए लेकिन इनके साइड से देख के निकालना। गंदे तरीके से इसने है ना मोड़ी थी अपनी, ये
टर्न पे बिल्कुल ऐसा हो गया था, ले भाई पलट गया अभी। सो गाइस फाइनली आ गए हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट पर और अभी आए थे, और रोहन का दिमाग ऐसा है भाई, उसको नहीं रहता व्लॉग बनाना याद कि हाँ पहुंचे हैं कैसे क्या शेड्यूल है। तो अभी अंदर जाके बात करेंगे कैसे क्या इनकी प्रोसीजर रहता है और कंडीशंस रहती है, और चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे क्या बातचीत। पर ये भाई हमारी गाड़ी की फोटोज ले रहे हैं क्योंकि इनको आगे इंश्योरेंस क्लेम के लिए फोटो डालनी पड़ती है। तुम्हारे भाई की गाड़ी कैसी लगी? भाई को फोटो लेने देता हूँ और फिर आगे देखते हैं, जब शीशा चेंज होगा जब दिखाऊंगा जरूर। भाई इस कार के आगे ये कार फीकी पड़ गई है रोहन, लगता है तेरे को जेड तो करानी पड़ेगी जब जाके दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लग रहा है कि जेड है ना फर्क बढ़िया। ब्लैक होने के बाद है ना, शीशे ब्लैक होने के बाद अलग ही चमकती है गाड़ी, भीड़ में है ना अलग ही चमकेगी गाड़ी, चाहे वो मारुति 800 और चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, अलग ही चमकेगी गाड़ी। भाई अब तो जेड ही जेड दिख रही है, गर्मी इतनी हो रही है जेड करानी बनती है ये कार, है ना। तो मनीष भाई एक सवाल तेरे से कि कब आ रही है हमारी जो सरप्राइज कार है? 15-20 दिन के अंदर अंदर नई कार आ जाएगी जो कि सरप्राइज है, अभी रिवील नहीं करेंगे। और उसके अलावा आने के बाद जो मॉडिफिकेशंस होंगे, जो उसके ऊपर जो पैसा लगाएंगे उसमें आएगा सबसे ज्यादा मजा, तो मतलब अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, बहुत कुछ सोच रखा है कार के लिए। तो देखते रहे और सपोर्ट करते रहना व्लॉग चैनल को हमारे भाई, मतलब इतने अकड़ वाले बंदे हैं ना दुनिया में क्या बताएं। यहाँ पे जैसे ये बैंक है इंडसइंड बैंक का, इनका स्टाफ का मेंबर है हमने इनसे, ये देखो पीछे आप देख सकते हो ये इनका स्टाफ का मेंबर है। तो हमने इनसे पूछा भाई वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम बता सकते हो आप? तो भाई इसका रिप्लाई क्या आता है भाई, पता नहीं मेरे को, पता नहीं, मतलब जैसे बैंक की है, बैंक के जस्ट पीछे, मतलब यार कोई काम करता बंदा उसे इतना तो पता होगा कि टॉयलेट कहाँ है वॉशरूम कहाँ है, अगर पूछे तो रिप्लाई क्या करता भाई नहीं पता मेरे को। वो कौन था कौन था? मेरा दुश्मन था उससे मैं पूछा वॉशरूम का पीछे आने लग रहा, आपने पूछा चला जाए पर मैं पूछ छोड़ ना जा। तो भाई विंडशील्ड एक्सपर्ट की कंडीशंस कुछ ऐसी रही कि पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा जब जाके काम स्टार्ट करेंगे, और लगभग एक घंटा लग जाएगा अप्रूवल आने में, डेढ़ घंटा भी हो सकता उसमें। सो अभी ये कह रहे हैं कि आप जब तक अप्रूवल नहीं होता आप कार ले जाओ घूम घाम आओ, हम आपको कॉल कर देंगे जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा, फिर हम आपकी कार का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लगभग अभी मान के चलो 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको टाइम बता देता हूँ अभी कितना टाइम हुआ है कि इस टाइम हम आए, टाइम हो चुका है 3:06। सो अगर डेढ़ घंटा भी मान के चले अप्रूवल का 4:30, और उसके अलावा भी डेढ़ घंटा और मान के चले काम वाम करने में, तो लगभग 6 बजे काम खत्म होएगा, एस्टिमेट मान रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। को छोड़ दिया है और उनको मैंने रेठाला छोड़ दिया था, और वो वहाँ से अपना ISBT अपने आप चले जाएंगे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट से, अब हम जा रहे हैं डॉग्स का फूड लेने मेरे स्नोफी का और मनीष के बुजो का, और फिर आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। हाँ तो भाई हमने खाना तो ले लिया था स्नोफी का, बुजो का अंकल रेकी के पापा अपने आप ले जाएंगे, और खाना तो स्नोफी का तो ले लिया, अब हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा जूस वगैरह पी लेते हैं। कि भाई अब कहाँ चलेगा? अब जाएंगे विंडशील्ड एक्सपर्ट के पास वहाँ पे खड़ी करके, नहीं तो M2K में फालतू की पार्किंग चार्ज लगेगी वहाँ पर खड़ी करके, फिर जाएंगे M2K में, फिर शीशा फोड़ के दिखाएंगे अगला। हाँ ट्राई तो करेंगे, कभी वो नहीं है मतलब। यार ये गाड़ी पे चीट किसने मारी है इतनी? तेरे काम है ये भाई, मैंने नहीं मारी, तेरे काम मैंने नहीं मारी, ये मनीष ने मारी थी। अब हम लो ये हमारे मजदूर साहब, ये मजदूरी पे लाया हमें इस गाड़ी भाई। सैलरी 1,20,000 रुपए पर महीना। लो भाई मेरा तो वाटरमेलन शेक आ गया, इन दोनों का बच गया। भाई क्या मंगाया था मनीष ने? मौसमी यार तूने भाई बनाना से ये बनाना। लो भाई हम आ गए हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट पे फिर से आ गए हैं, अब हो सकता है कि हमारा काम अब हो जाए। सो फाइनली गाइस गाड़ी का काम हो गया है खत्म, और अब हम सामने जा रहे हैं M2K मॉल में कुछ खाने, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। जयवीर चाप वाले से पार्टी देने के लिए थैंक यू, मजा आ गया। वेलकम गाइस, फाइनली खाना पीना करके अब निकल रहे हैं
रोहिणी से अब सीधा जाएंगे घर पर। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो गाइस आ गए नरेला के फ्लाईओवर पर और थकान हो रही है बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। नहीं तो पीछे लेटा लेटा सो ही गया था। मनीष भी थक गया भाई, ऐसा है 40 की स्पीड के नीचे नीचे चलानी थी, कम से कम 1.5 घंटा लग गया। और अब तो घर से भी फ़ोन आ गया, भाई कहाँ रह गए, उनका भाई आने लग रहे हैं। सरदर्दी मेरे ही सर पे आई है इस व्लॉग को एडिट करने की, क्योंकि इस भाई का है कल पेपर। बोला था मैंने कि व्लॉग ये बनाएगा और एडिट भी ये करेगा, अंदर से खुशी बहुत बढ़िया हो रही थी, लेकिन ये बात सुन के ना कि अब मेरे को एडिट करना पड़ेगा, आग लगी पड़ी अंदर तक। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण।